बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो भी आपका पासवर्ड है आप इसको चेक कर सकते हैं passwordmeter.com के ऊपर कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, कितना कॉम्प्लेक्स है। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मेरे चैनल के ऊपर, अवेलेबल है, कि पासवर्ड जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ आर स्टाफ जो होता है या मेजॉरिटी ऑफ आर फ्रेंड्स जो होते हैं वो पासवर्ड को इतनी अहमियत नहीं देते और वो बुकिश पासवर्ड्स को यूज़ करते हैं और या पासवर्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से अमूमन उनका वाईफाई नेटवर्क भी हैक हो जाता है और अमूमन उनके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं या जो उनके ईमेल अकाउंट्स हैं तो वो हैक हो जाते हैं। तो आज हम passwordmeter.com के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जो भी हमारा पासवर्ड है, जो भी पासवर्ड हम सेलेक्ट करें, तो पासवर्ड रखने से पहले हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं passwordmeter.com के ऊपर। passwordmeter.com जो है एक अच्छी सी वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपने पासवर्ड को चेक कर सकते हैं। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है कि मिनिमम 8 करेक्टर तक पासवर्ड आपका होना चाहिए एंड कंटेन्स 3 to 4 ऑफ द फॉलोइंग आइटम, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिम्बल्स। मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड ट्राई आउट करता हूँ जो हम रूटीन में पासवर्ड यूज़ करते हैं, ABC123 और @ का पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिहाज से इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी अवेलेबल हैं, न्यूमेरिक नंबर्स भी अवेलेबल हैं और जो है डिजिट्स भी अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो है न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल करेक्टर्स तीनों इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो पासवर्ड अभी दिया है ये मैंने डिक्शनरी वर्ड नहीं यूज़ किया। अगर मैं डिक्शनरी वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले ABC पासवर्ड दिया था, तो वो जो है डिक्शनरी वर्ड्स हैं तो उसकी वजह से उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ और स्कोर जो था 46% था। अभी जो मैंने इसका पासवर्ड दिया तो ये मैंने अपने एरिया का नाम दिया, दरभंगी मैंने नाम दिया, जो एक डिक्शनरी वर्ड नहीं है। तो आप जब भी आप पासवर्ड रखें तो आप कोशिश करें कि आप डिक्शनरी वर्ड्स को ना इस्तेमाल करें और जो भी आपके अपर केस, लोअर केस, सिम्बल्स, न्यूमेरिक नंबर्स, और अगर आप 8 या 8 करेक्टर से ज़्यादा पासवर्ड रखेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिडर किया जाता है। और जितने भी ये जो पासवर्ड ब्रेकिंग टूल्स होते हैं, ब्रूट फोर्सेस होते हैं, उनको उसको ब्रेक करना या उनको गैस करना काफ़ी मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल लगेगी। अगर इन केस आपको ये वेबसाइट पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करें और कॉम्डिक सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।